स्टूडेंट्स, माईसेल्फ प्रोफेसर दीपक सैनी. टुडे वी विल डू द जेलीफिश, जस्ट द एक्सटर्नल बेसिक करेक्टर ऑफ द जेलीफिश, विच विल ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक करेक्टर ऑफ द फाइलम सीलेंट्रेटा. दिस इज ए मेराइन, दिस इज ए सीलेंट्रेटा. इट इज नॉट ए फिश. वी से जेली फिश बिकॉज देयर सरफेस इज लाइक ए जेली. इट इज अ वाइट ट्रांसपेरेंट सरफेस. देयर आर मेनी वराइटीज ऑफ जेली फिशेज आर देयर. If you see the basic structure of the jellyfish, it is like this. Upper surface is called as a neck umbrella surface and the lower surface is called as a sub umbrella surface. It is like a dome shaped. Upper surface is called X umbrella, lower surface is called sub umbrella. This wall is diploblastic. If you magnify this wall, there is an outer layer that is called ectoderm and inner layer is called endoderm. बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म है और इसके बीच में मेसोग्लिया होता है और इसके मेसोग्लिया में सेल्स होते हैं. इसकी जो वॉल है इसको मैंने मैग्नीफाई करके देखा. बाहर की लेयर को एक्टोडर्म कहेंगे, अंदर की लेयर को एंडोडर्म कहेंगे, बीच में मेसोग्लिया होगा और मेसोग्लिया के अंदर सेल्स होते हैं. लोअर एंड में माउथ होता है एंड माउथ इज प्रेजेंट ऑन ए रेज पोर्शन जिसको मैनुब्रियम कह देते हैं. फोर आर्म्स होती हैं. देयर आर फोर आर्म्स आर देयर. इवन इन दिस डायग्राम यू कैन से दीज आर द फोर आर्म्स. और माउथ के साइडों में ही देयर आर प्रेजेंट फोर गोनाड्स. ये देख रहे हो, एक गोनाड्स, दूसरा, तीसरा, चौथा. तो ये थोड़ा हम इसको डायग्राम में अलग करने के लिए हमने यहाँ पे एक बनाया. दे हैव ए फोर गोनाड्स आर देयर. दे आर डाइशियस मेल जेलीफिश एंड फीमेल जेलीफिश. दे आर डिफरेंट बट जस्ट बाय द एक्सटर्नल अपीयरेंस यू कांट से दैट दिस इज ए मेल जेलीफिश और दिस इज ए फीमेल जेलीफिश. सो देयर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. Sexual dimorphism means just by the external appearance, you can say it is a male and it is a female. But in this case, you can't say it is a male and it is a female, so it is no sexual dimorphism is seen. Male and female is different. Male will shed the sperm. That sperm will enter inside the female jellyfish with the current of water and fertilization will take place inside the female jellyfish. Fertilization will take place, then zygote is formed. Zygote will start its development and it will form a larva that is called as a planula larva. Planula larva comes out from the female jellyfish and it settle at certain base of the water, or you can say they settle on certain stone and changes to a larva that is called as a scyphistoma larva. Then a process called strobilization. कटिंग ऑफ दिस स्ट्रॉबिलाइजेशन होता है, ऐसे ट्रांसफर्स कटना, विल अकर ऑफ स्काइफिस्टोमा लार्वा एंड इट विल प्रोड्यूस एन इफायरा लार्वा. एक स्काइफिस्टोमा लार्वा से 6 से 8 तक इफायरा लार्वा बनेंगे. एक कटेगा वो इफायरा लार्वा में बन गया, फिर दूसरा कट लगेगा वो इफायरा लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली दिस विल इफायरा लार्वा विल चेंज टू द जेलीफिश. सम विल चेंज टू मेल जेलीफिश, सम विल चेंज टू फीमेल जेलीफिश. I will show the animation of this. You can see the animation regarding this. This I show you. You see, this is a jellyfish is there. This is a sort of animation. Male is shedding the sperm and that sperm will enter into the female body. Fertilization is internal, zygote, then a larva called planula larva will come. This is a planula larva which is coming out from the female body and it will settle down and it will change to the scyphistoma larva. It will change to this scyphistoma larva is there. This is a scyphistoma larva. You can easily see. I have stopped the video. Now the strobilization of the scyphistoma larva will occur. आप देख रहे हो इसमें जो स्काइफिस्टोमा लार्वा की ऐसे कटिंग हुई है, कट होता गया है और जैसे कटिंग होगी एंड और ये जो कट्स हैं वो अलग अलग होने शुरू हो जाएंगे. अभी आप देखोगे, ये देखो, और ये एक एक करके जो कट्स हैं वो अलग होंगे. पहले ये देखो, ये एक कट अलग हुआ, ये थोड़ा सा रोक दिया मैंने वीडियो. एक जो ट्रांसफर सेक्शन कटा वो अलग हो गया. इसको मैं कहूँगा इफायरा लार्वा. इस चीज़ को मैं क्या कहूँगा, इफायरा लार्वा. और ये हर एक इफायरा लार्वा एक जेलीफिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ये देखो,
ये देखो ये हर एक ये अलग हो गया, ठीक है ना, एंड इट गेट कन्वर्टेड इन टू वन जेली फिश इज देयर। तो आपने देखा कि एक स्काइफिस्टोमा लार्वा से कई सारे जेली फिशेज जो हैं वो बन के निकलती हैं। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस विल अकर। तो ये जो आपने देखा कि कैसे वो ट्रांसवर्स कटिंग होती है, ठीक है, ट्रांसवर्स कटिंग होती है, आपने देखा इसको कि इसमें ये जो चीज़ देखी थी, ये ट्रांसवर्स कटिंग ऑफ द स्काइफिस्टोमा लार्वा, ट्रांसवर्स कटिंग ऑफ द स्काइफिस्टोमा लार्वा जो होती है, इस चीज़ को हम स्ट्रोबलाइजेशन कहते हैं। ये स्ट्रोबलाइजेशन है, ये देखो ना ऐसे ट्रांसवर्स कटता गया। जैसे आप मान लीजिए ये कुछ ये जो है इसको एक कट गया, एक अलग हो गया, फिर दूसरा कटा, फिर वो अलग हो गया, तीसरा कटा। इस फिनोमेना को हम स्ट्रोबलाइजेशन भी कहते हैं, और इन दिस वे जेली फिशेज आर प्रोड्यूस्ड। तो अब हमने देख लिया कि बेटा हमने पिछले लेक्चर्स में आई हैव ऑल्सो गिवन यू द वीडियो ऑफ हाइड्रा एंड देन ओबिलिया का भी मैंने दिया, अब ये मैंने एक स्काइफो जेली फिश का भी दे दिया। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ जेली फिश में अगर हम देखें तो बेसिकली जब हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो इसके हमें करेक्टर्स भी आ ही जाएंगे। इसके बेसिकली देयर आर थ्री क्लासेस हैं, दैट इज़ अ हाइड्रोजुआ एंड स्काइफोजुआ एंड एंथोजुआ इज देयर। हाइड्रोजुआ के अंदर जो कुछ बेटा आपने उसमें पढ़ा, ओबिलिया के अंदर पढ़ा और हाइड्रा के अंदर पढ़ा, तो वो सारा हाइड्रोजुआ के अंदर आता है। लाइफ साइकिल में आपने देखा बहुत पॉलीफॉर्म भी थी और मेडूसा फॉर्म भी थी, ठीक है ना, लेकिन पॉलीफॉर्म ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है इस केस के अंदर। जैसे आपने हाइड्रा में से पॉलीफॉर्म ही थी, ओबिलिया में तो पॉलीफॉर्म भी थी और मेडूसा फॉर्म भी थी। और आपने देखा भी था कि जो मैंने बताया था कि जब ओबिलिया का लाइफ साइकिल कराया था तो ओबिलिया के जो मेडूसा बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि मेडूसा का ये जैसे मेडूसा है तो उसका मार्जिन अगर बड़ा थिक होता है तो उसको बोलते हैं वीलम, तो उसके अंदर वीलम प्रेजेंट होता है। इसके मेसोग्लिया में सेल्स नहीं थे, ना हाइड्रा के मेसोग्लिया में थे ना ओबिलिया के मेसोग्लिया में थे। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इस फाइलम के अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स आते हैं विच शोज़ द पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड क्या है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन थ्री और फोर ज़ॉइड्स आर देयर। जब कई सारे ज़ॉइड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब ओबिलिया में आपने देखा था कि तीन टाइप के ज़ॉइड्स मैंने आपको पढ़ाए थे, वो ज़ॉइड्स थे पॉलिप, ठीक है ना, ब्लास्टोस्टाइल, ओब्ली गुनेंजियम एंड मेडूसा इज देयर। तो कुछ इसमें ऐसे एनिमल आते हैं, उस वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर फाइसेलिस एनिमल है, पॉरपीटा एनिमल है, वलीला एनिमल है, दीज आर द सर्टन एनिमल्स आर देयर विच शोज द पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल है, डेट इज फाइसेलिया की एग्जांपल है, देयर इज वन एग्जांपल डेट इज फाइसेलिया। इसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वार भी कहा जाता है, वी आल्सो नेम इट एज एन पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको तो देयर इसका मैं ये देखोगे बड़ा देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, ये दिस इज लाइक दिस। इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, डेट इज़ कॉल्ड एज ए निमेटोफोर बोल देते हैं, और यहाँ पे ये चीज़ आता है निमेटोफोर, ये ऊपर वाला, ये जो थोड़ा सा वाइट वाइट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें थोड़े ऐसे मार्जिन्स होते हैं जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और दे एक्ट एज ए सेल, सेल नहीं होता जो तैरने में हेल्प करता है, जो आप बोट्स वगैरह में सेल लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा जिसमें लाइनें सी दिख रही हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एन सेल, और ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा वाइट ही दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एन निमेटोफोर। ये निमेटोफोर के अंदर एयर वगैरह होती है जिसके कारण ये फ्लोट करता रहता है, और इसके नीचे की तरफ जो पानी में डूबे होते हैं तो वो है लार्ज नंबर ऑफ ज़ॉइड्स होते हैं। जैसे इसके अंदर एक ज़ॉइड होता है गैस्ट्रोज़ॉइड्स आर देयर, ये बनाया हुआ है, इसका काम है फीडिंग करना, ठीक है ना। और ये इसमें आप टेंटिकल्स देख रहे हो, टेंटिकल्स के ऊपर डक्टाइलोज़ॉइड्स होते हैं। डक्टाइलोज़ॉइड्स बेसिकली ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए होता है, ऑफेंस एंड डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। अब ये गोनोडेंड्रॉन भी बोल देते हैं इसको, ये ठीक है ना, दैट इज़ ये जिसको हम गोनोज़ॉइड्स भी कह देते हैं। तो ये गोनोज़ॉइड्स जो होते हैं दे आर बेसिकली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना, जैसे मेल गोनोफोर मेडूसा, फीमेल गोनोफोर मेडूसा, आपने देख रहे हो इसमें से मेल मेडूसा प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल मेडूसा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इसको हम गोनोज़ॉइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना।
तो हमने देखा कि अलग अलग टाइप के जुआइड्स देखे हमने। हमने कौन सा जुआइड्स देखा? एक ये निमेटोफोर देखा, ऊपर क्रेस्ट देखा, नीचे दिस इज ए गैस्ट्रोजाइट जो कि फीडिंग में हेल्प करता है, देट इज ए स्मॉल डक्टाइलोजाइट, लार्ज डक्टाइलोजाइट, टेंटिकल विद लार्ज डक्टाइलोजाइट्स। ये डक्टाइलोजाइट्स का काम है ऑफेंस एंड डिफेंस, प्रोटेक्शन देना। किसी फिश को पकड़ लेते हैं ये अपने टेंटिकल से, ऐसे फिशेज को पकड़ लेते हैं और डक्टाइलोजाइट जो उस फिश को किल कर लेते हैं, तो उसको मतलब देखो जो ये टेंटिकल्स का काम हो गया पकड़ना, डक्टाइलोजाइट्स जो है उस पर उसको किल करता है। ये जो मेल गोनोफोर और फीमेल गोनोफोर है जिसको हम गोनो जॉइट्स भी कह सकते हैं, तो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मेडूसा बनाएंगे, मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा, और आपने देखा कि कैसे वो एग और स्पॉर्म प्रोड्यूस करेंगे। ये गैस्ट्रोजाइट है, ये फीडिंग में हेल्प कर रहा है। तो आपने देखा कि दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइट्स। कई सारे जॉइट्स आपने पढ़े, कौन कौन से पढ़े आपने? ये एक ऊपर सेल पढ़ा, ठीक है ना, ये निमेटोफोर पढ़ा, दूसरा गैस्ट्रोजाइट पढ़ा, तीसरा जॉइट्स, डक्टाइलोजाइट, स्मॉल डक्टाइलोजाइट, लार्ज डक्टाइलोजाइट, गोनोजाइट्स। हर जॉइट्स के अलग अलग फंक्शन थे और कई सारे जॉइट्स थे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म वाले एनिमल्स जो हैं जितने भी वो हाइड्रोजोआ के अंदर ही आएंगे, और उसके अंदर ये जो एनिमल्स आते हैं डेट इज फाइसेलिस, पॉरपीटा एंड वेलीला इज देयर। अगर मैं इसमें डायग्राम दिखाऊं तो ये देखोगे दिस इज द फाइसेलिस का मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ वेलीला, ठीक है, ये जो डायग्राम वेलीला का है, वेलीला का आ गया, ठीक है, एंड देर इज अ वन मोर इज देयर डेट इज कॉल्ड एज एन पॉरपीटा, ठीक है ना, पॉरपीटा है वो इसके अंदर डायग्राम जो है दैट इज दिस इज पॉरपीटा, ये देखो ये यस पॉरपीटा। तो ये तीन चार एनिमल हैं, कौन से? फाइसेलिस, वेलीला, पॉरपीटा, जो कि जिसको मैं कहता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक से कई सारे जॉइट्स का होना, ठीक है। हमने देख लिया जॉइट्स हैं, मेराइन है, कुछ मेराइन्स भी हैं इसमें, फ्रेश वाटर भी हैं, जैसे ओबिलिया मेराइन पड़ी, हाइड्रा फ्रेश वाटर पड़ा। जैसे हाइड्रा जो था वो सॉलिटरी था, जो इसमें ओबिलिया आता है वो कॉलोनियल आता है, तो कई सारे इसके अंदर हमने एनिमल पढ़ा। तो हाइड्रोजोआ के क्या करेक्टर है कि इसके लाइफ साइकिल में मेडूसा भी होता है और पॉलिप भी होता है, लेकिन पॉलिप ज़्यादा होता है, मेडूसा का विलम होता है, जो मिजोग्लिया उसमें सेल्स नहीं होते, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, मीटाजेनेसिस शो करता है। मीटाजेनेसिस हम मैंने आपको ओबिलिया में पढ़ाया, इसमें कुछ एनिमल फ्रेश वाटर भी हैं और कुछ मेराइन भी हैं, ये हो गया। उसके बाद स्काइफोजोआ, जो कुछ आपने जेली फिश में पढ़ा वो स्काइफोजोआ में ले आइए। स्काइफोजोआ में एनिमल इज रिप्रेजेंटेड बोथ बाय पॉलिप एंड मेडूसा, बट मेडूसा इज प्रोमिनेंट, मेडूसा बट मेडूसा इज प्रोमिनेंट। मेडूसा में विलम नहीं होता, मिजोग्लिया में सेल्स होते हैं, कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, मेराइन है और सॉलिटरी है, आपने देखा जेली फिश अकेली ही रहती है। उसके बाद एक और आ रहा है डेट इज एंथोजोआ इज देयर, इसमें जो है बेसिकली सिर्फ पॉलीफॉर्म ही होते हैं, नो मेडूसा फॉर्म इज देयर। जब एक ही फॉर्म है तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होनी, इसका भी जो मिजोग्लिया है सेलुलर है, इसमें हाइपोस्टोम भी नहीं होता, माउथ इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द बॉडी, एब्सेंट है, और कुछ एंथोजोआ जो होते हैं वो कोरल्स बनाते हैं। अब मैं वो एक एक को लेके चलूंगा, सम ऑफ एंथोजोआ विल फॉर्म द कोरल्स। जैसे इसमें एक पहले एग्जाम्पल मैं देता हूँ एंथोजोआ के अंदर, सी एनिमोन की एग्जाम्पल देते हैं, वी विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए एडेंशिया और ए सी एनिमोन, ठीक है। इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर भी। ये सी एनिमोन, ये देखिए दिस इज़ अ सी एनिमोन, ये देखो इसका माउथ है, दिस इज़ देयर माउथ, ये उसकी टेंटिकल है, ये उसका बेसल पार्ट है, ये नीचे सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है, कोई एनिमल आता है तो टेंटिकल से पकड़ लेता है और खा जाता है ये, ठीक है, सी एनिमोन है ये ना। एक आप देखोगे एक एसोसिएशन है, देर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द सी एनिमोन एंड द क्रैब इज देयर, यहाँ पे ये देखिए ये क्रैब होता है समुंदर में, ये शेल होते हैं, कई ऐसे शेल्स पड़े होते हैं जिसका अंदर से एनिमल खत्म हो चुका है, ये एम्प्टी शेल्स होते हैं, क्योंकि क्रैब के कई जो प्रिडेटर्स होते हैं, कई खाने वाले होते हैं एनिमल्स,
तो क्रैब अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है कि एक एम्प्टी शेल्स के अंदर घुस जाता है और ऊपर सी एनिमोन को भी लगा लेता है, ये सी एनिमोन को उठा के ऊपर लगा देता है। और क्योंकि सी एनिमोन दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बगैर भी रह सकते हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन दोनों को एक तरह से फायदा है, ठीक है ना, और अगर उनको अलग भी कर दें तो कोई इतना नुकसान भी नहीं है, ये भी नहीं कि एक दूसरे के बगैर वो रह ही नहीं पाते, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बोथ आर बेनिफिटेड बेसिकली, बट बोथ कैन ऑल्सो लिव विदाउट ईच अदर। कोई एक होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है कि बोथ आर बेनिफिटेड बट बोथ कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये करता है कि सी एनिमोन को क्या फ़ायदा मिलता है कि ये क्रैब चलता है तो सी एनिमोन भी एक जगह से दूसरी जगह चलता है, तो उसको भी फूड लेने में हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि किसी एक जगह पे फिक्स रहे तो वहाँ पे और भी सी एनिमोन हो जाते हैं, तो वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बढ़ जाएगी जब एक ही जगह पे कई सारे सी एनिमोन लगे होंगे, तो उसको दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्रैब विद द हेल्प ऑफ लेग्स चलता है। तो क्रैब को क्या फ़ायदा होता है कि क्रैब पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो जाता है, क्योंकि कोई एनिमल जब आता है इसके पास, सी एनिमोन के पास आएगा, इसके पास आएगा तो सी एनिमोन को भी टच करेगा, तो सी एनिमोन की जो टेंटिकल्स होती हैं वो उस पर, उसकी टेंटिकल्स पे आपको पता है नीडो ब्लास्ट होता है, तो वो स्टिंग करती है, तो एनिमल भाग जाता है। मतलब समझ गए ना बात को आप, कि ये जो क्रैब है ये इसके शेल के अंदर घुस गया और उसने अपने ऊपर, इसके शेल के ऊपर सी एनिमोन लगा ली, सी एनिमोन को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाएगा, क्योंकि क्रैब चलेगा तो सी एनिमोन भी मूव करेगी। क्रैब को क्या फ़ायदा हो गया कि कोई फिश या कोई ऐसा एनिमल आता है अगर क्रैब को पकड़ने के लिए, तो वो उसको सी एनिमोन की जो टेंटिकल्स होती हैं उसके ऊपर, मैंने आपको बताया नीडो ब्लास्ट होता है, तो वो स्टिंग करेंगी तो वो एनिमल वहाँ से चल जाएगा, तो एक तरह से दोनों को प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसी एंथोजोआ के अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स भी आते हैं जिसको, जैसे स्टार कोरल्स, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो दिस इज स्टार कोरल्स, ये देखो कॉलोनियल है, ये एक एनिमल है, ये एक एनिमल है, ये एक एनिमल है, ये इसका माउथ है, और मैंने आपको बताया था कि इनमें माउस में मैनूब्रियम नहीं होता, लेकिन ये आपस में जुड़ जाते हैं। होता क्या है कि स्टार कोरल्स है जिसको मैस्ट्रिया भी कहते हैं, इसमें आप देखोगे ये हर एनिमल जो है ना अपने बेस पे एक कैल्शियम कार्बोनेट की थिकनिंग बनाता है, हर एनिमल अपने बेस पे, जैसे ये एनिमल है, सपोज दिस इज एन एनिमल इज देयर, तो ये एनिमल जो मैंने अभी आपको बताया, तो वो हर एक अपने बेस पे कैल्शियम कार्बोनेट की थिकनिंग बनाता है, जिसको बोलते हैं कोरलाइट फ्लोर। और ये कोरलाइट फ्लोर जो है आपस में एक एनिमल के और दूसरे एनिमल के जुड़ते चल जाते हैं, ये जुड़ते चले जाते हैं, ये देखो इसका एक का कोरलाइट फ्लोर, दूसरे का ऐसे ये जुड़ते चल जाते हैं, तो जिससे ये पूरा का पूरा एक जिसको बोलते हैं कोरल्स टाइप एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। ये आपने देखा इसके अंदर, एस्ट्रिया के अंदर, स्टार कोरल के अंदर, ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस जुड़ने का बेसिकली रीज़न ही ये होता है कि ये अपने बाहर, जो मैंने अभी आपको बताया कि हर एनिमल अपने बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट की, ये कैल्शियम कार्बोनेट की थिकनिंग बनाता है, ये एक एनिमल है, ठीक है ना, ये एक एनिमल है इसके अंदर, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की थिकनिंग बनाता है, और हर एनिमल की कैल्शियम कार्बोनेट की थिकनिंग जो है आपस में जुड़ती चल जाती है, और एक पूरा का पूरा एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे कई टाइप के कोरल्स होते हैं, कोरल आइलैंड भी हैं, उसमें से जैसे एक कोरल्स है ब्रेन कोरल, आप देखोगे इसकी शेप ही जो है ब्रेन जैसी दिखती है। इस ब्रेन कोरल में आप देखोगे कि ये रेस पोर्शन है, ठीक है ना, और ये बीच में ये जो वैली लाइक स्ट्रक्चर चल रहा है, तो वैली लाइक स्ट्रक्चर में कंपाउंड पोलन्स आर सीन, कंपाउंड पोलन्स देखने को मिलते हैं, तो ये ब्रेन कोरल हो गया। एक है सी फीडर होता है, उसकी शेप ही फीडर लाइक होती है, ये मैं अभी यहाँ से आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, डेट इज़ पेनाटूला जिसको हम कहते हैं, ये देखोगे दिस इज़ अ पेनाटूला इज देयर, ठीक है ना। इस पेनाटूला का मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, तो ये रहा पेनाटूला का डायग्राम, ठीक है, दिस इज द पेनाट, इसमें सेंटर वाला पोर्शन होता है जिसको मैं रैकिस कहता हूँ, और साइडों वाले पोर्शन को पिन्यूल्स कहता हूँ। जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसमें ज्वाइड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइफोनोज्वाइड्स, और जो यहाँ पे पिन्यूल रीजन पे जो ज्वाइड्स प्रेजेंट हैं उसको मैं कहता हूँ ऑटोजॉइड, जो कि फीडिंग में हेल्प करते हैं, तो ये सी फैन बोल देते हैं, इसको सी पेन बोल देते हैं। उसी तरह गॉर्गोनिया होता है,
ये गॉर्गोनिया जिसको हम सी फैन भी कहते हैं, ये देखो ये तो सी पेन है, एक सी फैन भी दिखाता हूँ आपको, दिस इज ए सी फैन गॉर्गोनिया, यस ये देखो ये गॉर्गोनिया, ये सारे कोरल्स हैं, ये सारे कोरल्स हैं, इनमें जो पॉलिप्स था इसमें एनिमल इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉलिप। आप कहोगे इसमें अगर आप बेसिकली देखना चाहते हो तो एस्ट्रिया में बड़ा क्लियर है, हर एक एनिमल जो है ये एक एनिमल एक पॉलिप है, दूसरा पॉलिप है, तीसरा पॉलिप है, चौथा पॉलिप है, ये सारे पॉलिप हैं। ये आपस में जुड़ क्यों गए? ये जुड़ इसलिए गए क्योंकि उनके बेस में कैल्शियम कार्बोनेट की सिक्रीशन थी, और इसी तरह ये बनते चले गए और एक पूरे के पूरे मैं कहता हूँ आइलैंड टाइप बन जाता है, पूरे एक कोरल आइलैंड्स बन जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड्स है, ठीक है। और उसी तरह मैंने आपको गॉर्गोनिया भी बता दिया जिसको मैं सी फैन कहता हूँ, तो ये भी एक कोरल्स है। और गॉर्गोनिया में भी अगर आप देखोगे तो इसके पास भी ऑटोजाइड्स और साइफोनोजाइड दो टाइप के जॉइड्स होते हैं। आपको ये ऑटोजाइड्स और साइफोनोजाइड याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जैसे इसके अंदर तो सी पेन में तो बड़े क्लियर थे कि जो सेंट्रल पोर्शन था, ये देखोगे ये सेंट्रल पोर्शन था, वहां पे साइफोनोजाइड था, यहाँ पे डेट वॉज द ऑटोजाइड था। तो ये मैंने तीन क्लासेस करा दी हैं और इनके अंदर जो एनिमल है वो भी करा दिए, ठीक है। तो और जो भी कोई डिफिकल्टी होगी वो हम आगे देख लेंगे।